नमस्ते, स्वागत है आपका बर्फ में। आज हम फ्राइड लिट्टी बनाएंगे। इस लिट्टी की खास बात यह है कि यह खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, इजीली बन जाता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देखें। लिट्टी की स्टफिंग सबसे पहले हम तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 100 ग्राम सत्तू लिया है। इस सत्तू में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 इंच जैसा अदरक को मैंने ग्रेट कर दिया था ये भी डाल देंगे, और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप लिट्टी को 1-2 दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो प्याज स्किप कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्च मैं यहाँ काट के डाल रही हूँ, और ये 1/2 नींबू का रस। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे, और 1/4 टीस्पून से भी कम हम इसमें हींग डालेंगे, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब ये घर का बना हुआ आम का कुच्चा मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर की थी, आप ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हम धनिया पत्ता इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कोई सा भी अचार डाल सकते हैं, आम का, नींबू का, घर में बना हुआ या बाहर का ख़रीदा हुआ भी डाल सकते हैं। अचार में जो सरसों तेल होता है उसे भी आप इसमें ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। सत्तू अभी काफ़ी सूखा लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे हल्का गीला कर लेंगे। सत्तू की स्टफिंग को हम मुट्ठी में बांध कर देखेंगे, अगर वो बंध रहा है तो बस उतना ही पानी हमें डालना है। ये सत्तू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम लिट्टी का आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, करीब 200 ग्राम है ये। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन मंगरेला डालेंगे, तो 1/2 छोटा चम्मच जैसा मैं डाल रही हूँ, दोनों मिक्स करके। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे इसका। यहाँ पे मैं आटे में तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा तेल मिला सकते हैं, लेकिन जिस मेथड से मैं बना रही हूँ तो उसमें उतना ज़रूरी नहीं होता है तेल डालना। तो जिस तरह आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह आप ये भी डो बना लीजिए। आटा रेडी है, अब हम लिट्टी की स्टफिंग करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लोई लिया है, इसे गोल कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कटोरी का शेप देंगे, तो हाथों से आपको इस तरह से दबाना है तो ये कटोरी के शेप में आ जाएगा। मैंने लिट्टी इन माइक्रोवेव रेसिपी भी कुछ दिन पहले शेयर की थी, अगर आप ऑथेंटिक लिट्टी बनाना चाहते हैं तो वो भी रेसिपी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। 2-3 बड़े चम्मच हम सत्तू की स्टफिंग इसमें डालकर इसका मुंह इस तरह से बंद कर देंगे, और एक्स्ट्रा लोई अगर निकलता है तो उसे निकाल कर हटा देंगे। अच्छे से अब इसे गोल करके राउंड शेप दे देंगे हम लिट्टी के जैसा। तो ये थोड़ा सा चिपटा टाइप का मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये फ्राइड लिट्टी है। इसी तरह हम बाकी आटा में भी सत्तू की स्टफिंग भर लेंगे। अब हमें इसे बॉईल करना है, तो पतीले में करीब 4 बड़े कप पानी मैंने लिया है। पानी में जब पूरी तरह से उबाल आ जाए तब हम इसमें ये सत्तू की स्टफिंग वाले लिट्टी डालेंगे। बॉईल करने से ये पूरी तरह से पक जाता है अंदर से भी, और जब आप इसे फ्राई करिएगा तो तेल भी कम सोखता है। एक बार इसे चला के ज़रूर देखिए, कहीं ये नीचे से चिपक तो नहीं रहा, और आँच आपको बिल्कुल तेज़ रखना है। 5 से 7 मिनट हमें इसे तेज़ आँच में ही पकाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिट्टी बिल्कुल फूल गया है और अंदर से भी पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे पानी से। पानी से निकालने के बाद कुछ देर इसे फ़ैन के नीचे छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, पानी बिल्कुल सूख जाएगा। अब देख सकते हैं लिट्टी अच्छे से बॉईल हो गया है, सारी ही लिट्टियाँ करीब फूली हुई है। अब हम लिट्टी को फ्राई करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से तेल लेंगे कढ़ाई में। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें लिट्टी डालेंगे। आँच मैंने बिल्कुल तेज़ रखा, और पूरे तेज़ आँच में ही हमें इसे लाल होने तक फ्राई करना है। आप ये लिट्टी स्पेशली ट्रेन जर्नीज के लिए बना सकते हैं, जब आप 1-2 दिन का सफ़र कर रहे हो, एक तरफ से लाल हो जाएगा तो हम दूसरी तरफ भी पलट कर इसे लाल कर लेंगे। वैसे तो ये लिट्टी नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये लाल हो गया है, इसे निकाल लेंगे। इस लिट्टी को आप वैसे तो किसी भी सब्ज़ी या ओनली टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, पर ये सबसे बेस्ट टेस्ट करता है आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। तो ये झटपट आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।